हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरास बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हमने ख़त्म कर लिया था, अब जो नया टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? टेक्सोनॉमिकल एड्स आर द कलेक्शन ऑफ सिंपल्स और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये क्या होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स में? जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल या फिर आप बोलें कोई भी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको क्या किया जाता है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे उसके सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, और उस पर क्या होता है, उस पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से कैटेगरी से, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से बिलोंग करते हैं। तो उस अरेंजमेंट को, उस क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है कैसे होगा? ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करके, ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करके जब जो क्लासिफिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं उसके, पहले देखते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स को यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है डेड, दूसरा है लिविंग। तो डेड क्या, डेड में क्या क्या आता है? हर्बेरियम एंड म्यूजियम, और लिविंग में क्या आता है? बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है वो क्या क्या है? हर्बेरियम एंड म्यूजियम। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, अगर आपने अभी तक कभी हर्बेरियम बनाया होगा, हर्बेरियम का फाइल बनता है। ठीक है, तो अगर आपने कभी बनाया होगा तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि उसमें क्या होता है, या फिर म्यूजियम का आप नाम सुने तो आपको पता होगा क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको अलग अलग सैंपल, अलग अलग जगहों से उसका सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसका, उसको प्रिजर्व किया जाता है। कलेक्शन ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उठा दो, कैसे भी रख दो, नहीं, उसका भी एक प्रोसेस होता है, अच्छा खासा प्रोसेस होता है। कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, अगर कोई भी प्लांट है आप उसको ले रहे हो तो आप कैसे उसको प्रिजर्व कर रहे हो, कैसे आप उसको रख रहे हो, कैसे, और लेने का भी प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे तोड़ लिया फिर कैसे भी। ठीक है, तो उसको एक अच्छे से उसको लेके हम कैसे उसको स्टोर कर रहे हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, और प्रिजर्व किस लिए करेंगे? हम अपने स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रिजर्व करेंगे कि हम उसको आगे जो फ्यूचर में जब हम स्टडी करें तो उसको हम देख के पढ़ सकें। ठीक है, तो उसको होता क्या है कि लेते हैं, अगर हम हर्बेरियम का बात कर रहे हैं, हर्बेरियम का अगर आप फाइल बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स के पत्ते को या फिर प्लांट्स को क्या किया जाता है? कट किया जाता है और उसको प्रेस किया जाता है। प्रेस कैसे किया जाता है? उसका भी एक प्रोसेस होता है। उसका जो मॉइस्चर होता है, कोई भी प्लांट होगा तो उसमें क्या होगा? मॉइस्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो मॉइस्चर्स प्रेजेंट होंगे तो उसको एक पेपर, पेपर के शीट में उसको कवर कर दिया जाएगा, उसको प्रेस कर दिया जाएगा ताकि जो भी उसका मॉइस्चर है वो उससे अलग हो जाए, है ना, और वो ड्राई हो जाए। तो उसको क्या करते हैं, अलग करके और एक पेपर में रखते हैं तो वो प्रेस हो जाता है अच्छे से। ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करते हैं और एक फाइल में उसको, एक पेस्ट शीट लेते हैं, उसमें उसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कौन सा प्लांट है। ठीक है, और उसको कौन कौन से कैटेगरीज में रखा गया है? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आपने पढ़ा, तो वो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन कौन से कैटेगरी में उसको रखा गया, उसके कैटेगरीज क्या क्या हैं उस प्लांट को देख के। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बोला जाए कि किसी भी प्लांट को कि अगर आप इसको बताइए कि इसका कैटेगरी क्या है तो आप बता दें, नहीं ना, तो आप उसी का बता सकते हैं जिसका जो टेक्सोनॉमिक स्टडी है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, उसका उसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, मतलब किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस प्लांट को आप देखेंगे, पेस्ट करेंगे फाइल में, और उसको क्या होगा, उसको देख के उसका अरेंजमेंट एक करेंगे आप। जो ये 7 कैटेगरीज आपने पढ़ा, उस 7 कैटेगरीज में कौन कौन से फाइलम में है? फाइलम ने प्लांट का बात कर रहे हैं तो डिवीज़न, ठीक है, तो किंगडम क्या है उसका, डिवीज़न क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, ठीक है, स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो उसको आप एकदम सीक्वेंस में आप अरेंज करेंगे और सब उसका लिखना पड़ता है,
तो उसके जो सीक्वेंस है उसको क्या हम बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल एग्स। ये हर्बेरियम जो है वो टेक्सोनॉमिकल एग्स का एक टाइप है। वैसे ही म्यूजियम, आपने कभी म्यूजियम में गए, मतलब म्यूजियम आप कभी देखे होंगे, जैसे गए होंगे तो क्या होता है उसमें बहुत सारे स्पेसमेंट रखे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रखे होते हैं। उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होंगे, डेड होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे डेड, यहाँ पे प्लांट्स का जो बात हम किए थे यहाँ पे हर्बेरियम का, वो भी क्या यहाँ पे दिख रहे थे, डेड थे ना, तो यहाँ पे डेड का बात किया जा रहा है। तो हर्बेरियम का बात किए तो हर्बेरियम भी यहाँ पे डेड था, और म्यूजियम का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे म्यूजियम भी जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एनिमल्स का अगर हम बात करें तो अलग अलग स्नैक्स को या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, फिशेस को ही आप देखते होंगे कि बहुत सारे फिशेस होंगे म्यूजियम में, और उसको अलग अलग क्या किया गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। उसको प्रिजर्व किस लिए किया गया है, क्योंकि हम उसे देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अगर कोई चीज़ ऐसा रहेगा कि हमें नाम बता दिया जाए कि बताओ ये कैसा है, हम लोगों को नाम अगर पता नहीं होगा, अगर हम उसको देखेंगे नहीं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई किस बेसिस पे होता है, वो एक्सटर्नल, उसका जो एक्सटर्नल आपको जो भी दिखाई दे रहे होंगे मॉर्फोलॉजी उसका देख के, तो उसके बेसिस पे आप बोलोगे ना, हाँ कि इसके दो आँख हैं, पैर हैं, ठीक है, तो ऐसे देख के आप बोलोगे कि हाँ ये ऐसे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का अगर आपको नाम दे दिया जाए तो अगर आपके माइंड में वो फिगर ना हो कि कैसे होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्पीसीज़ हैं, सॉरी म्यूजियम्स हैं, उसमें क्या होंगे, अलग अलग स्पीसीज़ को भी रखा गया होगा, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया होगा, और उसे देख के हमें ये पता चलेगा कि हाँ इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसा है, वो देखने में कैसे हैं, और उसको जो एट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सेवन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसमें कैसे कैसे उसको अरेंज किया गया है। तो ऐसे सारे म्यूजियम्स जो भी होंगे, म्यूजियम्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उसमें क्या होगा, सारे ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग उसको कैटेगराइज किया गया होगा कि कौन से फाइलम में हाँ और कहाँ से ये बिलोंग करता है, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स उसके क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये हो गया हर्बेरियम म्यूजियम। हर्बेरियम तो आपने बनाया होगा, अगर नहीं बनाए होंगे तो अब आगे बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम कहाँ पाया जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में, ठीक है ना, कॉलेजेस में म्यूजियम होता है। उसमें क्या क्या होता है, बहुत सारे स्पेसमेंट्स होते हैं, स्पेसमेंट्स को क्या होता है, कलेक्ट करके वो रखा गया है, जिसे आप जाओगे लैब में, ठीक है, तो वहाँ पे जाओगे आप, क्या करोगे, उसको देखोगे और उसको ऑब्जर्व करोगे कि इसको आइडेंटिफाई करोगे कि इसका क्या क्या है, कैरेक्टर्स क्या क्या उसके दिखाई दे रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके आप देखोगे कि क्या क्या है, और उसको कौन कौन से फाइलम में रखा गया है, सबके अलग अलग फाइलम्स होंगे, या फिर बहुत सारे एनिमल्स आपको ऐसे पाएंगे, मतलब कि जिसके सेम फाइलम्स होंगे, जो सेम फाइलम से बिलोंग करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसकी स्पीसीज या जीनस चेंज हो जाएंगे या ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आप पाएंगे। तो ये था म्यूजियम। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिकल एग्स का लिविंग, ठीक है, लिविंग के बारे में बात करते हैं। ये तो डेड था, अब लिविंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिविंग जो है वो कहाँ दिखा जाता है, बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क। बोटैनिकल गार्डन, नाम से पता चल रहा होगा बोटैनिकल का नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लांट्स का है ना, तो प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। तो बोटैनिकल गार्डन्स में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट्स होंगे, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होंगे, ऐसे भी प्लांट्स होंगे जिसे आप कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कलेक्ट किया गया है बहुत सारे प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स को वहाँ पे कलेक्ट किया गया है, ताकि उसको जो आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बारे में पढ़ा जा सके और वो फ्यूचर में यूज़ हो। और ये जो प्रिजर्व किया गया है यहाँ पे, जो बोटैनिकल गार्डन्स हैं उस पर अच्छा खासा रिसर्च भी हुआ है, ठीक है, रिसर्च करके उसको रखा गया है बोटैनिकल गार्डन में, और उसके जो बोटैनिकल गार्डन में रखा गया है उसका, उस प्लांट्स का टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है, कैटेगरीज वो पता है हमें, ठीक है ना, आइडेंटिफाई किया गया, उसके बेसिस पे रखा गया है। तो सारे बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, अब जाएंगे
बोटैनिकल गार्डन्स में तो देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे अलग अलग उसके कैरेक्टर्स होंगे, और उसको देख के आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ इसके ये कैरेक्टर्स हैं तो ये इस डिवीज़न में है, है ना। तो सबके जैसे आप पढ़े हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, तो उसमें आप देख रहे होंगे ना कि सबके अलग अलग कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे वो रखा गया है, कुछ सिमिलैरिटी कुछ डिससिमिलैरिटी, है ना। तो कुछ सिमिलैरिटी और जो डिससिमिलैरिटीज हैं उनके बेसिस पे इस बोटैनिकल गार्डन्स को रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में भी बोटैनिकल गार्डन है। नेक्स्ट है यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में जो है यहाँ पे लिविंग एनिमल्स को रखा गया है। ये कहाँ है, ये ह्यूमंस के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं कि उनको क्या फूड दिया जाए या फिर क्या कुछ भी, सब ऑब्जर्वेशन में रहता है। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या, बहुत सारे जैसे बोटैनिकल गार्डन में बहुत सारे एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, वैसे ही जूलॉजिकल बोटैनिकल गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट थे, सॉरी, ठीक है, वैसे ही जूलॉजिकल पार्क में क्या थे, जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, ऐसे भी एनिमल्स जिनको आप जानते ना हो, तो बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे रखे हैं अलग अलग, जिसे हम देख के समझें और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये एनिमल है, इनके ये कैटेगरीज हैं, है ना। तो ये हो गया जूलॉजिकल पार्क। इससे ज़्यादा हमको यहाँ पे कुछ और पढ़ना नहीं है, बस हमें यहाँ पे जानना था कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स से आप क्या समझें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे ने कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म, मीन्स यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सैंपल्स को कलेक्ट किया जा रहा है। कौन से सैंपल्स को, सैंपल्स में क्या आ जाएगा, प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को कलेक्ट किया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, उसको उस पर रिसर्च भी होता है, ठीक है ना। रिसर्च करके क्या, उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, और उस पर रिसर्च करके क्या हम पता करते हैं कि टेक्सोनॉमिकल उसके हायरार्की क्या क्या हैं, और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, उसके नाम को, नाम के बारे में हम जानते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन को हम पूरे तरीके से जानते हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हमें पता चलता है कि इसको किस ग्रुप में और कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो और उससे हम क्या करते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं, जिससे हमें उसे पहचानने में आसानी होती है कि हाँ इसके जो कैरेक्टर्स हैं जब ग्रुप में रख दिया गया है तो आपको कैरेक्टर्स भी पता होंगे कि हाँ इस ग्रुप में रखा गया है तो इसके कुछ कैरेक्टर्स होंगे, आप आगे पढ़ेंगे। तो उसको अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा, उसके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करके, तो ये हमारे लिए आसानी होगी पढ़ने के लिए, और ये आगे फ्यूचर में ये यूज़ होती रहेगी। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है, जैसे डायनासोर्स थे तो वो क्या हो गया, वो एक्सटेंड हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो फॉसिल्स थे, फॉसिल्स में वो मिले, तो उसको उसके मिलने के बाद क्या हुआ, उसको देख के आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ ये जो बोन्स हैं वो किसके हैं, वो डायनासोर्स के हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा है वो तो नेचुरल था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ह्यूमंस कलेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, ये हमारे हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ सैंपल्स हो रहा है और प्रिजर्वेशन, उसको कलेक्ट करना, अलग अलग जो सैंपल्स हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है और उसको प्रिजर्व किया जा रहा है ताकि उसे हम रख सकें और उसको आगे हम फ्यूचर में स्टडी कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स। और उसके कुछ टाइप्स हैं, ये पढ़े आप ना, हर्बेरियम एंड म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। तो ये उसके कुछ टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से हम उसे करते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, ठीक है। ये था हमारा टेक्सोनॉमिकल एड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।